नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लेवल देना चाहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के। और दोस्तों, जैसे कि हमने कल के दिन आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिलेगी, एक छोटी सी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी को, और आपको बताऊंगा कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में बना था। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल था। और हालांकि हम तो इसको डबल टॉप ही बोलेंगे। डबल टॉप का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना था ये बिल्कुल टॉप पे बना था। अब इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, और ये देखेंगे कि ये यहां से एक बड़ी तेजी आपको इसमें देखने को मिली थी। ये क्या है, एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और बाजार यहां तक गया। बाजार जाने के बाद ऊपर फिर सीधा नीचे की तरफ आया। ये इसका पहले का लो बना था, और आज बाजार ने एक नया हाई बनाया है 40,073 का, 40,073 का। यहां से अगर आप देखेंगे 40,073 का आज बैंक निफ्टी ने क्या बनाया है, हाई बनाया है, जो कि जो प्रीवियस हाई था उसको पूरी तरीके से ब्रेक किया था। अब ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और अगर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझाना चाहूं तो इसमें एक पैटर्न और फॉर्म हुआ है जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म में भाषा में बोला जाता है। इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार। ये हो गया इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब दो पैटर्न मिल गए हैं आपको, एक तो डबल टॉप मिला, एक इवनिंग स्टार मिला। और तीसरे पैटर्न की अगर मैं बात करना चाहूं तो वो यहां से आप अगर आप चेक करेंगे तो ये डेली चार्ट पे भी, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा, डेली चार्ट पे भी डबल टॉप पैटर्न है। और साथ साथ इसमें देखेंगे तो पूरी तरीके से यहां पे क्या है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो ये क्या हो गया, डबल टॉप पैटर्न साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस। और आज जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाजार जो है, बाजार थोड़ा सा बुलिश होकर वापस ही नीचे की तरफ जाएगा। रीजन उसका क्या था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक हुआ था। अब देखो क्या होता है कि ट्रेडर कैसे सोचता है, रिटेल ट्रेडर की सोच क्या है। रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करता है। बिल्कुल गलत नहीं है, रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेल ट्रेडर बाय कर सकता है। रिटेल ट्रेडर का कोई भी बाय कर सकता है। रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में हमेशा तेजी आती है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है मार्केट का, तो वहां से हमेशा क्या करना चाहिए, बाइंग पोजिशन बनानी चाहिए। बट आपको पता है कि बाइंग पोजीशन तो आप बना लेते हैं, बट क्या आपने सोचा है कि कई बार बाइंग पोजीशन बनाने के बाद, एग्जांपल के तौर पर मार्केट में तेजी आई, मार्केट में इस तरीके से पैटर्न बना। अब इस तरीके से पैटर्न बना, ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। और रेजिस्टेंस के ऊपर जब आप बाइंग तो कर लेते हैं, बट बाजार काफी बार ऐसा होता है कि नीचे गिर जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे आप क्या डाइवर्जेंस चेक नहीं करते हैं मार्केट में। उस वक्त पे अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव हो, जो कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अगर नेगेटिव हो तो बाजार बढ़ने की जगह वहां से गिरता है। और आज भी यही देखने को मिलेगा आपको, और आगे भी यही देखने को मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद, यहां देखो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, ब्रेक हुआ। बट ये सिर्फ और सिर्फ चकमा देने के लिए था, ये चकमा देने के लिए था रिटेल ट्रेडर को, जो रिटेल ट्रेडर है, भोले भाले ट्रेडर है, जिनको सिर्फ यही पता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदा जाता है। हम भी रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदते हैं, बट हम उसके साथ साथ डाइवर्जेंस भी देखते हैं। पर रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं देखता, वो देखता है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर गया, सब लोग बाय के लिए बोल रहे हैं, मैं भी क्या कर लेता हूं, यहां पे बाय कर लेता हूं। अब जैसे ही वो यहां पे बाय करता है और एकदम से मार्केट में गिरावट आ जाती है, अब वो हो जाता है कॉल का बायर। वो क्या हो जाता है, कॉल का बायर। अब मैं आप में से काफी ऐसे लोगों के भैया कि जिन्होंने आज कॉल बाय कर रखी होगी, जिन्होंने कॉल बाय कर रखी, उन्हें लग रहा है कि कल एक तेजी देखने को मिलेगी। अब आपने सोचा कि यहां पे एक पैटर्न और फॉर्म हुआ है, ये एक पैटर्न हो रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। अब क्या देखने को मिला, एक तो देखने को मिला यहां पे आपको डबल टॉप। डबल टॉप के साथ साथ क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर आपको नहीं पता है नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, सीखना जरूरी है। साथ साथ ये क्या माना, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, और इसकी कंफर्मेशन कल देखने को मिल जाएगी। अगर कल के दिन बाजार, हालांकि मैं अभी से ही, आज मैंने बहुत माल बेचा है, बहुत रख के माल बेचा है, मेरे पास जितनी पोजीशन, जितना मेरा मार्जिन था, मैंने आज बैंक निफ्टी को बेचा है,
चाहे मेरा स्टॉप लॉस कट जाए। अब कल के दिन क्या होगा, अगर कल के दिन आपको मार्केट मिलता है 39,660, 670, 700 कहीं भी मिलता है, आप क्या करिए, मैं मान के चलता हूँ 39,700 चल रहा है, 39,700 के नीचे जहां भी मिलता है आप पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में बना सकते हैं। देखो कल के दिन कहीं ना कहीं हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं था, क्योंकि कल हम ये कह रहे थे फर्स्ट कैंडल बेरिश होगी, उसका लो कटेगा तो सेल कर देंगे। आज क्या हुआ, मार्केट तेज खुला, मतलब खुला थोड़ा सा नीचे, फिर उसके बाद तेज हुआ, उसके बाद सस्टेन कराया, लोगों को क्या कराया, बाय कराया, उसके बाद नीचे गया, फिर से उसने हाई के आसपास गया, फिर लोगों ने बाय पोजीशन करी, फिर एकदम से उसने क्लोजिंग के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। अब 39,700 के नीचे आप क्या करेंगे, पोजीशन शॉर्ट करेंगे और इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस होना चाहिए हाई का, जो भी हो सकता है 40,080 के आसपास का मान के चलिए, ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट का सेल होगा, 300 पॉइंट्स का 400 पॉइंट्स का, इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो कितना लॉस होगा आपका, आप मान के चलिए बहुत ही कम, अगर आप एक पुटी भी खरीदते हैं तो आपका 5,000 का लॉस होगा, क्योंकि अगर आप एट द मनी भी लेंगे तो 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपका इतने का ही लॉस होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लॉस की बात कर रहा हूँ, अभी प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा। तो हम पहले क्या करते हैं, जब हम कभी भी कोई ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले जब हम ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, हम अपना लॉस करते हैं कि भैया ठीक है, अगर मेरा ट्रेड अगर नुकसान में जाता है या मेरा ट्रेड फेल हो जाता है तो हमें लॉस कितना होगा, सबसे बड़ी बात लॉस कितना होगा। प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा। अब कल अगर बाजार, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूंगा, अगर कल के दिन बाजार बेरिश जाता है या फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रीवियस इसका लो ब्रेक कर देता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन बना देंगे जी खुलते बाजार में सेल, क्या करेंगे आप सेल पोजीशन बनाएंगे। और उसके बाद आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है। अब टारगेट कितना होगा, काफी लोग पूछो भाई कितना जाएगा कितना जाएगा, तो भाई फिर अगर जब गिरेगा ना तो ऐसे ऐसे गिरेगा, और ये पहला टारगेट मान के चलिए आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो रहेगा 38,500 का। जहां पे अगर आप देखेंगे कि भाई मेरा लॉस 300-400 पॉइंट का हो सकता है, तो टारगेट भी आपका 1200 पॉइंट का हो सकता है। अब 1200 पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी में लेंगे, ये तो फर्स्ट टारगेट है, और अगर भी ज्यादा नीचे गिरता है तो वो फिर वैल्यू बढ़ती रहती है आपकी। तो मेरे हिसाब से तो ये टारगेट मार्केट में आना चाहिए। बट देखो, अगर ठीक है, अगर मान लो कल तेज हो गया बाजार, अगर फिर से 39,940 के ऊपर गया, तो चलो ठीक है, फिर वहां से थोड़ी बहुत बाइंग बन सकती है। बट आज की सिचुएशन के हिसाब से, आज के हिसाब से मुझे बाजार में वीकनेस लग रही है। भाई मेरे को लग नहीं रही, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरा चार्ट मुझे बोल रहा है, मेरा चार्ट जो बोलेगा, जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो मुझे लग रहा है इस बार इतिहास जो दोहराया जाएगा वो फिर से वैसे ही दोहराया जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे आप इतना डिटेल में कैसे बता पा रहे हो, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि दुनिया तो बाय कह रही हो, आप सेल कह रहे हो, जब लोग सेल कह रहे थे तो आप बाय कह रहे थे। देखो, जब सब लोग सेल कह रहे थे, हम बाय कह रहे थे, तो हमारे हिसाब से मार्केट चला था। हमने कब कब आपको बाय कराया, बिल्कुल बॉटम पे बाय कराया, निफ्टी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी देख सकते हैं, सब में टारगेट है। बट क्या होता है, जब लोगों के मन, जो ऑपरेटर्स बड़ा बड़ा चालाक है, उसे पता है आपको क्या आता है, इसलिए वो आपके एनालिसिस में बार बार फंसा देता है। ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर आपको बाय करा रहा है, क्यों बाय करा रहा है, क्योंकि उसको बेचना है। वो आपको बाइंग करा के, वो आपसे डिमांड क्रिएट करवा के खुद सप्लाई क्रिएट करेगा, वो आपसे एक्यूमिनेट करा के खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। समझिए, जब तक आपको नुकसान नहीं होगा तब तक ऑपरेटर को फायदा कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से ना, देखो भीड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है, अपना एनालिसिस, अपना दिमाग यूज करने के, नहीं तो आप आने वाले टाइम पे देख लेना, जब बाजार गिरेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो ये सारी बात जानते हैं, हमने कहाँ कहाँ किस तरीके की प्रेडिक्शन करी थी, वही हुआ बिल्कुल अगेंस्ट मार्केट के जाके, और वही देखने को मिला। तो इस बार भी वही देखने के मिलने की पूरी पूरी संभावना है, 100% कुछ नहीं होता, 90% भी नहीं होता, बट संभावना है, क्योंकि बाजार ऐसा लग रहा है, डबल टॉप है, डार्क क्लाउड कवर है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार में देखने को मिल रही है। और अगर मैं टाइम फ्रेम की कॉम्बिनेशन को समझाऊं तो डेली और फोर आवरली चार्ट पे कुछ एक जैसा ही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आशा करूंगा जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बिल्कुल डिटेल में समझाया आपको, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अब तो होगी जी बैंक निफ्टी की बात, इसके अलावा भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे निफ्टी जो है 17,656 के आसपास का रेट चल रहा है। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, उसे बताने के लिए एक ही चीज़ है, वो सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, और वो है
इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, इसको बोला जाता है यहाँ से बेरिश एंगल्फिंग। अब बेरिश एंगल्फिंग के हिसाब से बहुत दिनों से बस ये यहीं पे ही रुका हुआ है, ये यहीं पे ही काम करा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो अभी लोग काम कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी में ज्यादा काम कर रहे हैं। निफ्टी में इतना ज्यादा कुछ नहीं, कंसोलिडेट है तो कहने वाली बात ही नहीं है इसमें। एक ही बात मैं डायरेक्टली डेली डेली रिपीट करूँ बैंक निफ्टी में तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग के हिसाब से ये नीचे गिरना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉक को थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो आज के दिन हमने रिकमेंड करे थे। एक स्टॉक है जो मैं आपको आज के दिन बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। वो है भैया हमारा आज का एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आज हमने कहाँ पे सेल कराया था आपको, आप समझ सकते हैं बिल्कुल टॉप पे 30 मिनट के चार्ट पे। हमने यहाँ पे बोला था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, एक्सिस बैंक को 756 के आसपास पोजिशन शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद तो ये ऊपर भी गया था, 758 भी गया था, तो बोला था सेल करने के लिए। और आज इसका लो बना है 749 के आसपास का लो भी बना है। तो आज जिन लोगों ने एक्सिस बैंक में टारगेट बुक कराया है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी करता करिए जब आपको प्रॉफिट होता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने रिकमेंड करे थे, बट वो ये हर स्टॉक के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं हमने डायरेक्टली चार्ट पे। अब देखो क्या है कि ये हमारा पब्लिक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी डिटेल्स में आपको चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे बैंक निफ्टी का सुबह सुबह मैसेज आ गया था हमारा, जब बैंक निफ्टी का रेट चल रहा था 39,800 के आसपास का। एक्सिस बैंक 30 मिनट के चार्ट पे हमने 756 पे बोल दिया था सेल करके चलो, और इसमें भी टारगेट आया। साथ साथ ICICI प्रूली में बोला, उसमें भी गिरावट आई। इसके साथ साथ कुछ हमारी रिकमेंडेशंस होती है, वो भी हम देते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे स्पेशल चैनल के लिए, जो कि है हमारा चार्ट। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कि हमने कोर्स के स्टूडेंट्स को देखते हैं। देखो कितने सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, कभी भी किसी में भी कोई पैटर्न बनेगा उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, और इवन बाय सेल के मैसेजेस भेजते हैं। जैसे कि आज हमने आज सेल कराया था किसको, बैंक निफ्टी को, तो वहाँ से प्रॉफिट में चल रहा है अभी है, और अभी तो चलो शुरुआत है। इसके अलावा यहाँ पे SBI सेल कराया था, इसके साथ साथ हमने आपको सेल कराया था क्या, एक्सिस बैंक। मैं एक मैसेज दिखा देता हूँ, एक्सिस बैंक का तो डायरेक्टली हमने मैसेज कर दिया था कि भाई सेल एक्सिस बैंक। ये देखेंगे जब रेट चल रहा था उसका 756 के आसपास, 756 से ऊपर चल रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मैसेज आया था सेल एक्सिस बैंक का। ये हमारा जो चैनल है यहाँ पे हम ना बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी देते हैं। जैसे हमने ये 756 पे बोला और एकदम से मैसेज कर दिया सेल कर दो, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें ये कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है, ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है, राइट। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स भेजते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो पाए, साथ साथ यहाँ पे हम कुछ बाइंग और सेलिंग रिकमेंड भी करते हैं। हमको टिप्स नहीं देते, हम नहीं देते कि भाई यहाँ पे खरीदो या बेचो, यहाँ पे एक ना हिंट आपको दे देते हैं। जैसे बैंक निफ्टी कर दिया था और एक्सिस बैंक को तो क्लियर बोल दिया था सेल, लिखा हुआ है ना सेल एक्सिस बैंक। अब सेल एक्सिस बैंक का मतलब क्या, आपको बेचना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इवनिंग स्टार बना हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप बेच सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ना लर्निंग के साथ साथ लर्निंग तो कर ही रहे हैं आप इस चैनल पे, साथ साथ अर्निंग भी हो रही है। तो आप जितना कोर्स का पैसा हमें देते हैं तो हम वो यहीं से ही आपका वसूल करके दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल भी आ जाता है समझ में, और जो आपका पैसा है वो भी आपका डबल ट्रिपल होता रहता है। तो ये हमारा स्पेशल चैनल है, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, आप कहीं से भी कुछ भी करिए, आप यूट्यूब पे कितनी वीडियो देखिए, जितना कुछ करिए, जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा ना तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहें तो ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख सकते हैं, वो है chartanalysis.co.in। यहाँ पे हमारा 7,999 में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक सिखाया जाता है, चार्ट पैटर्न सिखाया जाता है, इंडिकेटर सिखाया जाता है, डाउ थ्योरी सिखाई जाती है, एलिट वेव थ्योरी जो है वो सिखाई जाती है, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है, डिमांड सप्लाई सिखाया जाता है, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। ये आपको सिर्फ 7,999 में मिलेगा ऑल इंक्लूसिव। इसमें 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, किसको बाय सेल करते हैं, यानी कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि वेन टू बाय, वेन टू सेल, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, और अपनी एक्यूरेसी 70-80% कैसे अचीव की जाती है सबके कॉम्बिनेशन के साथ।
इसमें अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से बात होगी। और साथ साथ पर्सनल टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में बात कर रहा था वो आपको मिलेगा। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11,000 का है। और अगर टेक्निकल ऑप्शन करना चाहे तो 16,999 में इसका कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे एनालिस्ट के साथ साथ अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी 70-80% करना चाहते हैं, तो कोर्स ज्वाइन जरूर करिएगा। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों में से किसी भी डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो वीकेंड की मास्टर क्लास और 10,000 की वर्थ की ई बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।